यदि आपको ये जानना है कि केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना घर क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए आपको एक बार एलएपी जरूर आना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोग के बीच आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम जा रहे हैं ठेकड़ी से एलएपी। यदि आपने मेरा ठेकड़ी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठेकड़ी से एलएपी के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जिसे हम 4 घंटे में पूरा करेंगे। रास्ते में है एक सुंदर वाटरफॉल जिसका नाम बहुत टफ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं एलएपी। एलएपी भारत के केरल राज्य का एक खूबसूरत शहर है, जिसे अलप्पुज़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपने सुंदर बैक वाटर बीचेस एंड लगूंस की वजह से वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। एलएपी और भी फेमस है शांत बैक वाटर से गुजरने वाले हाउसबोट के लिए, जहां पर हम आज एक रात रुकने वाले हैं। वैसे तो एलएपी में बहुत से हाउसबोट टर्मिनल्स हैं, आप कहीं से भी हाउसबोट ले सकते हैं। हमने अपनी बोट पालातुर्ती हाउसबोट टर्मिनल से, और आइए अब आपको हाउसबोट का टूर कराता हूँ कि ये है यहाँ का हॉल। इसमें डाइनिंग टेबल के साथ आपको एसी, टीवी और म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। ये एक 2 बेडरूम हाउस बोट है और ये है यहाँ का एयर कंडीशन बेडरूम। बेडरूम की विंडो से आपको बेस्ट व्यू मिलता है। ये है यहाँ का किचन। हाउस बोट की खास बात ये है कि आपका सारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसी हाउस बोट के कुक द्वारा बनाया जाता है। ये है हाउस बोट का अपर डेक, या कि ये कहें कि हाउस बोट की छत। इस अपर डेक में आपको चेयर के साथ साथ ओपन स्पेस भी मिलता है। यकीन मानिए, इस ओपन स्पेस से आप बेस्ट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और ये है हमारे हाउस बोट का ट्रैवल मैप। हमने अपना ट्रिप पालातुर्ती ब्रिज से स्टार्ट किया है और हम जाएंगे वेम्बनाड लेक तक। आइए बात करते हैं हाउस बोट को कैसे बुक किया जाए, उनका प्राइस और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। हाउस बोट के प्राइस की बात करें तो सीजन वाइज और कैटेगरी वाइज होती है। एक कमरे से लेकर 10 कमरे तक के हाउस बोट यहाँ अवेलेबल है, जिसे आप 4,000 से 15,000 तक की बोट रेंट पे ले सकते हैं। इसमें खाना पीना सब बोट के रेंट पे ही इंक्लूड होता है। इन हाउस बोट्स में आपको वही आराम मिलता है जो किसी अच्छे होटल में मिलेगा। मैंने ये 2 बेडरूम हाउस बोट 10,000 रुपये में बुक किया है। इसमें वेलकम ड्रिंक के साथ साथ लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। हाउस बोट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप किसी भी ट्रैवल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉल करके भी हाउस बोट बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बट मैंने अपने हाउस बोट की बुकिंग कुछ अलग ही तरीके से की थी। मैंने हाउस बोट कंपनी वेव एंड डेल्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था और केवल 2,000 रुपये का एडवांस देकर मैंने ये हाउस बोट बुक किया। उनका सर्विस बहुत ही अच्छा है। हाउस बोट की यात्रा दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होती है। हाउस बोट स्टार्ट होने से पहले ही वो आपसे मेन्यू पूछ लेंगे, ताकि सफर के दौरान कोई तकलीफ ना हो। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार हाउस बोट सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही चलती हैं, उसके बाद
इन्हें वो पार्किंग में खड़े कर देते हैं। सुबह तक आपको बोट में ही रहना होता है। सुबह वापस बोट सफर के लिए निकलती है और सुबह 9 बजे आपको जहाँ से यात्रा शुरू की है उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। एक और बात बताना जरूरी है, वैसे तो हाउस बोट एयर कंडीशन बेडरूम के साथ होते हैं, लेकिन एसी चलाने का टाइम रात के 9 बजे से सुबह के 8 बजे तक ही होता है। यदि आप ऑल टाइम एसी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। लगभग 2 बजे के आसपास हमें लंच सर्व किया गया। लंच बहुत ही टेस्टी था। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन में, जो है वेम्बनाड लेक। एलएपी में आप किसी भी टर्मिनल से हाउस बोट लें, हर हाउस बोट यहाँ जरूर आती है। इसी लेक में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है, जिसमें शुरुआत 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह रेस हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होती है। मेरी वाइफ नीलम, जो आज भी हाउस बोट में बिताए हुए पल को याद करती है। शायद मैं एलएपी की सुंदरता को अच्छे से दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन यकीन मानिए, जैसा आपने वीडियो में देखा है, यह जगह उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अब हमारी बोट वापस जा रही है, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद हाउस बोट का चलना यहाँ अलाउ नहीं है। रास्ते में एक फिश मार्केट भी है, आप चाहें तो वहां से अपनी मन की फिश लेकर कुक से बनवा सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया था। आप चाहें तो इसके बाद एलएपी शहर को घूम सकते हैं। इसमें एलएपी बीच और बहुत से मंदिर भी हैं जहां पे घूमा जा सकता है। अब मिलते हैं आपको कल सुबह। अभी सुबह के 7 बजे हैं और एक परफेक्ट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के बाद हमारी हाउस बोट फिर से चल दी है अपने आखिरी सफर के लिए। हम सब के लिए ये सुबह हमेशा यादगार रहेगी। लगभग 1 घंटे की बोटिंग के बाद हमारी हाउस बोट वापस अपने पार्किंग की ओर जा रही है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नई जगह एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।